हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एम बैक विद ए न्यू ब्लॉग और आज मैं जा रही हूँ सरप्राइज है नाम नहीं बताऊंगी एक बहुत एस्थेटिक जगह मतलब चलो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ एक कैफे जा रही हूँ जो कि बहुत एस्थेटिक है बहुत एस्थेटिक यू विल जस्ट फेल इन लव इट इतना सुंदर है एंड आई वॉन्टेड टू शो डैट टू ऑ ऑल ऑफ यू सो लेट्स गो और आगे का वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना तो चलिए चलते हैं और दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे अगर आप लोगों को ये मेकअप मेरा पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लेट्स गो सो so गाइज ये था मेरा आज का फाइनल लुक मैंने ऊपर पहना था शर्ट टाइप टॉप और नीचे पहना था ब्लैक कलर का डेनिम और हाथ में ले लिया था मैंने वाइट कलर का स्वेटर और मैंने किया था हाफ पोनी मैंने स्वेटर बस शो ऑफ के लिए ले लिया था कि अगर ठंड लगी तो पहन लूँगी फिर हम निकल गए बाहर ये रही श्राबोनी दीपा हीबा और लीला ये लोग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे आप लोग देख सकते हो देवर लुकिंग वेरी प्रिटी और अकॉर्डिंगली मैं उतनी ही बुरी लग रही थी बट नेवर माइंड खाना ही खाना है जाके तो हम ऑटो तो का वेट कर रहे थे ऑटो तो के बाद हम पहुँच गए नैट एंड बियॉन्ड तो सॉरी आउट एंड बियॉन्ड तो ये आउट एंड बियॉन्ड बेसिकली या कैफे एंड बिस्तरो तो अब मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ है तो ये है सेक्टर टू में आप लोगों को आना कैसे है ये भी बता देती हूँ तो आप लोगों को आना है करुनामई में. करुणा में से आप लोग स्ट्रेट जाना स्ट्रेट जाके लेफ्ट हो जाना लेफ्ट हो जाने के बाद थोड़ा सा आगे जाना और आप लोगों को राइट साइड मिलेगा आउट एंड बियॉन्ड कैफे एंड पिस्तर और यहाँ पर आ जाने के बाद आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा यहाँ का एस्थेटिक जो डिज़ाइंस है पिक्चर आप क्लिक कर सकते हो बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स अवेलेबल हैं खाने के लिए और सारे अफोर्डेबल हैं मतलब वैसे नहीं बोलूँगी कि बहुत एक्सपेंसिव है नो 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 दे आर ऑल एक्चुअली अफोर्डेबल एंड यू ऑल कैन ईजिली अफोर्ड दैम और ये हिब्बा और श्रावणी तब से बहस कर रहे थे और फाइनली पंद्रह मिनट के बाद इन लोगों का बहस ख़त्म हुआ है मैं और लीला परेशान हो गए थे और हम फाइनली खाने का वेट कर रहे थे और ये हमारा खाना आ गया तो हमने मंगवाया था मैक एंड चीज़ पास्ता ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था बहुत ज़्यादा और बहुत चीज़ी था वी जस्ट वेल इन लव विथ इट ये हमें पड़ा था फ़ोर ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का लीला को बहुत पसंद आया और हीबा को तो आप देख ही सकते हो कितना पसंद आया दीपा को भी पसंद आया श्रावनी को तो सब कुछ ही पसंद आता है और ये रहा हमारा कटोरी जो कि पूरा ख़त्म हो गया था फिर हमने मंगवाया था किस डीला पता नहीं क्या बोलते हैं और ये हमें पड़ा था वेज वाला पड़ा था टू एटी फाइव और चिकन वाला पड़ा था थ्री ट्वेंटी फाइव और हम लोग इतने मतलब हम सबको इतना भूख लगा था कि पूरा हमने पूरा अच्छे से ख़त्म कर दिया था और द कैफे का अगर एम्बियंस का बात करें तो आई इट अ टेन आउट ऑफ टेन खाने का बात करें तो आई वुड इट अ नाइन आउट ऑफ टेन और बिल आप देख ही सकते हो कितना बड़ा आया है बट नेवर माइंड इट्स ओके अगर कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ा तो खर्च करना होगा और ये लीला बीस रुपये दे कि पता नहीं क्या बता रही थी क्योंकि हमारा इन टोटल हम पाँचों ने कॉन्ट्री कर लिया था तो हमारा टू हंड्रेड समथिंग हो रहा था तो ये था हमारा आज का कैफे का रिव्यू एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू अस दिस इज़ अ मस्ट विजिट कैफे क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा बहुत ज़्यादा पसंद मतलब अफोर्डेबल भी है रीज़नेबल भी है दोनों एक ही चीज़ हो गए और बहुत सुंदर एम्बियस है आप लोग देख ही सकते हो तो आना ज़रूर तो चलिए घर चलते हैं घर और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव इस वीडियो तो आपने देख ही लिया था और ये कुछ पिक्चर्स थे जो हमने खाया था और कैफे का पिक्चर्स था अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को लाइक बाय लव यू